ऑथेंटिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि इस वक्त जो एक मुल्क के ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं बहुत कठिन है, और शायद जब से ये 60 से 70 सालों में जब से देश आजाद हुआ है, जब से पहली बार इस तरीके से हालात जो है मुल्क के हुए हैं कि एक एक बच्चा जो है परेशान है, वो चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या अधिकारी हो, कोई भी चीज से जुड़ा हुआ जो अधिकारी है, सब परेशान है। ऐसे हालात में जो है एक जनता परेशान है क्योंकि उनको कोई सामान नहीं मिल पा रहा है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, उनको तेल या साबुन कुछ नहीं मिल पा रहा है, अपने बच्चों के यहां तक कि अपने बच्चों के दूध भी नहीं मिल पा रहा है उनको, और अगर दूध एरिया में मिलता है कहीं तो उसको जो है पुलिस जो है दुकानें बंद करा देती है, उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे हालात में जो है क्योंकि पुलिस की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि पुलिस के पास स्टाफ कम है, और पब्लिक आवाम मुमरा कौसा की जो है खास करके मैं बात करूंगा क्योंकि मुमरा कौसा में आबादी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं पुलिस भी गलती करती है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि पुलिस के ऊपर सारे पुलिस महकमा पे जो है उंगली उठाई जाए, क्योंकि ठीक है वो भी एक इंसान है, कोई 19-20 पुलिस अधिकारी में भी रहते हैं, बदतमीजी से जो बात करते हैं। जो आज कुछ घटना जो है बॉम्बे कॉलोनी जो मुमरा मार्केट के अंदर है, वहां पे कॉर्नर में एक जो है बिल्डिंग है गोल बिल्डिंग करके, वहां से कुछ घटना आई है जो है कि एक छोटा बच्चा तकरीबन एक 8 से 10 साल का बच्चा दूध लेने जा रहा था, और उसको पुलिस ने एक बेरहमी से उसके हाथ पे मारा, उसकी हड्डी जो है उसकी फ्रैक्चर हो गई है। तो ये और उसकी माँ जो है जब बोलने के लिए गई पुलिस वाले से तो उसकी माँ को गंदी गंदी गालियां दिए। तो ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये पुलिस के जो आला अधिकारी जो जिम्मेदार है उनको सोचना है। और पत्रकार जो है हमेशा एक आईना है जो दिखाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं पत्रकार को भी मजबूर होना पड़ता है क्योंकि आवाम की ये जो चीजें हैं ये भी हमारी मजबूरी है दिखाने के लिए। हमारे जो अभी सीनियर पीआई आए हैं जो कलवा पुलिस कन्हैया तोराटे सर, जो मुमरा पुलिस स्टेशन से अभी सीनियर पीआई के जगह पे मुमरा में आए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे मेरी खास करके ये अपील है, मैं मानता हूं कि पुलिस वाले इस वक्त जो है दिमागी तौर पे नहीं सही है क्योंकि 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा होती है, हमारी यही तपस्या को बोलते हैं तपस्या, कि कहीं ना कहीं हमको अपने गुस्से को बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। हमारी ये अपील है उनसे कि बेकसूरों पर डंडे न बरसाए जाए, बेकसूरों पर गाली गलौज नहीं की जाए, जो कसूरवार है बेशक आप उनके साथ करिए, हम इसके बारे में आपको नहीं बोलेंगे, आप अपनी कार्रवाई बेशक करिए और करना ही है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे आवाम को आप कंट्रोल करेंगे, कैसे आप उनको देखभाल करेंगे। तो मेरी ये अपील है कि ऐसे लोग ऐसे पुलिस वालों से आप जरा कहिए कि सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे हालात पे ये नहीं है कि किसी बेकसूर मार खाए और बेकसूर बच्चा जो है एक छोटा सा बच्चा के ऊपर डंडा बरसाया जाए। कुछ तस्वीरें मैं उस बिल्डिंग का आपको दिखा रहा हूँ। सीनियर साहब से मेरी अपील है कि इस पे जो है गौर किया जाए और इसको ध्यान दिया जाए, वहां के आवाम की दर्द जो है, क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे घर है जो घरों के अंदर हवा भी नहीं आ रही है, वही छोटे छोटे घर में। दूसरी बात, वो बच्चे जो है बिल्डिंग की जो एक 4 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसकी बालकनी होती है वहां खड़े थे वो लोग, ऐसा भी नहीं कि वो नीचे मार्केट में घूम रहे थे। तो जरा इस पे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा ध्यान दीजिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशे कॉफी चैनल। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ मुमरा बाजार में जो बॉम्बे कॉलोनी का कॉर्नर है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है गोल्ड बिल्डिंग करके नाम से, वो मशहूर है बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के अंदर मैं खड़ा हूँ। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो रूम है, जो यहाँ के घर है, कितने छोटे छोटे हैं, और यहाँ पर जो है 40 सिस्टम बना हुआ है रूम, तो इसी वजह से लोग घर में नहीं बैठे क्योंकि उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं है, उनके घर में हवा जाने की जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी बिल्डिंग के गैलरी में खड़े रहते हैं। यहाँ पर आज एक वारदात हुई है पुलिस के द्वारा, और इन लोगों का बताया, मतलब इस तरीके से कहते हैं कि यूनिफॉर्म में, एक यूनिफॉर्म में था और एक यूनिफॉर्म में नहीं था, एक यूनिफॉर्म में नहीं था। और यहाँ पर जो है क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुजवाला दानिश है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हम करीबन 8:30 की बात है, ये इसका घर है, ये मेरे दोस्त फैसल का घर है और मेरा घर वहाँ पे, तो यहाँ पे खड़ा, तो घर में हो रहा था गर्म बहुत, तो हम लोग बाहर आके खड़े रहे और गेम खेल रहे थे, तो अचानक से पीछे से आए और मारना चालू कर दिया पीछे। अच्छा, कुछ बोले नहीं आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इधर ही खड़े थे ये, और ऐसा भी नहीं कि चिटक के करते, हम लोग डिस्टेंस पे खड़े थे, ये वहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, आया और पीछे से मार दिया, उसके बाद बोलता यहाँ पे खड़े नहीं रहने। अच्छा, और मार के चला गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? पूजा।
कहाँ पे मारा आपको सर? मेरे को पीठ पे। बताइए जरा, ये देखिए यहाँ पर। और मुझे आपको तो इस तरीके से एक वारदात अभी हुई है और दूसरी एक घटना और हुई है एक छोटे बच्चे के साथ में। उसको भी जो सुबह में जो 8 बजे वो दूध लेने के लिए उतरा था, क्योंकि बड़े जो है उनको मना किया गया है कि घर से बाहर ना निकले, इसीलिए वो लोग अपने सेफ्टी के लिए जो है एक छोटे बच्चे को भेजा। और छोटे बच्चे को भेजने के उसको भी पुलिस जो है बिल्कुल भी रहम नहीं आया और उसको भी बच्चे को भी इन्होंने मारा है। किस तरीके से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसका हाथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, नीचे देखा तो रिक्शा मार कर आ रहा था, तो मैं बाबू रिक्शा अंदर रिक्शा में बैठ गया। तो मेरा भाई बोला ऊपर से आ रहा है, तो उसने बोला पापा है, उसने सुन के बस खोल के आके डायरेक्ट मारने लगा। अच्छा, कहाँ पे मारा आपको? हाथ पे मारा। अच्छा, और कहीं मार लगी है? नहीं पे। अच्छा, हाँ, तो आप लोग नहीं जा रहे हैं नीचे दूध लेने के लिए, बच्चे को क्यों भेजा? मैं सुबह उतरी 7 बजे। हाँ। तो मैं यहाँ वहाँ देखी, वहाँ से आप लोग खड़े हैं ना, तो मैं बहुत देर खड़ी रही कि देखी लोग ये साइड चले गए, तो मैं उतरी, मैं बोली यहाँ पीछे से दूध लेके आ जाती हूँ। जैसी मैं बिल्डिंग से निकली ना, तो 3-4 साहब लोग आए, तो उसमें से एक रुक गया और 2 आगे चले गए। तो मेरे को बोले क्या के लिए खड़ी है नीचे? तो मैं बोली साहब पाव लेने दूध लेने जा रही हूँ, देखो पैसा है हाथ में। तो बोले कि दुकानें बंद है, तेरे बाप ने खुली रखा है दुकानें। तो मैं बोली साहब मेरे घर में बच्चे छोटे, मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं दूध लेने नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहाँ से दूध पिएंगे? कल भी रात में दूध देता, हम लोग ने ऐसे ही सुला दिए भूखा। तो गाली देने लग गया एकदम सीधा, इतनी गंदी गाली दिया, मेरे को बोलता है जा नहीं तो अभी कुत्ते की तरह अंदर आके मार दूंगा। मेरी साहब आप लेडीज से बात करें, थोड़ा तमीज से बात करो। आपको गाली? हाँ, मेरे को गाली देना, बोलता जा नहीं तो मारे तो कुत्ते की तरह मारूंगा। तो मैं बोली साहब आप लेडीज से बात करो, थोड़ा तमीज से बात करो। तो एकदम गंदे वर्ड यूज करने लगे, बोले ज्यादा अपने आपको हुशियार में समझ, जाना तो मार दूंगा अंदर, एकदम भाग के अंदर आया तो मैं भाग के ऊपर चढ़ दूँ। तो मेरे को बिल्डिंग वाले बोले कि तू काहे को डरी, लेडीज है तेरे को थोड़ी ना मारेगा। तो मैं बोली जानो सीनियर था मैं, हम लोग चुप बैठ गए, हम लोग खड़े हो गए। बाद में मेरे बेटे को भेजी, मेरी जा तू दूध लेके आ बेटा, उधर आगे ना वो एक पुलिस वाला दूध दे रहा था। तो मैं बोली देखो खुली है, उधर से लेके आ जा जल्दी से, बोला अंकल मेरे भाई को दूध चाहिए करके ले ले। तो वो इधर से बस निकला और सामने से सीनियर लोग आए, तो ये सामने रिक्शा है ना, वो रिक्शा में छुप गया। तो मेरा ऊपर भतीजा खड़ा था, तो उसने उसको पूछा, बोले आ रहे क्या? तो बोला हाँ आए। तो उसने देख आवाज सुन लिया कि रिक्शा से किसने बोला, तो एकदम रिक्शा में डायरेक्ट पीछे से ऐसे चट 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 लकड़ी से मारने लगे। मैं ऊपर से चिल्ला भी रही साहब उसके हाथ में पैसा, दूध लाने जा रहा। और मेरे घर में गोद में एक छोटा बच्चा था मेरे, तो मैं बोल भी रही साहब दूध लाने जा रहा, तो भी मारा। और ऊपर से बता खुद ऊपर खड़े रह गए, उसको कहीं को भेजी दूध लाने। तो जैसे कि इनकी तकलीफ आप जान सकते हो, और यहाँ के जो सीनियर ये उनके बच्चे हैं जिनको दूध की जरूरत रहती है, और ऐसी जरूरत के लिए लोग नीचे उतरेंगे। और यहाँ के लोगों ने पुलिस का सत्कार भी किया है वक्त आने पे, तो ये सत्कार का ठीक है, चलो उनका एक जुनून था, उन्होंने किया है, तो 20 दिन के लिए नहीं किया है कि पुलिस उनके ऊपर डंडे बरसाए और पुलिस उनके ऊपर जो है बच्चों के या औरतों के साथ बदतमीजी करे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा।